दोस्तों आपका स्वागत है आज फिर से रेसलिंग बॉस के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे फॉर्मर WWE सुपरस्टार के बारे में जिसने एक समय पर टेररिस्ट कैरेक्टर प्ले किया था 2004-5 के समय में, और उसके बाद ऐसा कैरेक्टर WWE में कभी भी देखने को नहीं मिला। दोस्तों वो फॉर्मर WWE रेसलर थे मोहम्मद हसन, जो WWE में एक यूनिक अरब अमेरिकन कैरेक्टर प्ले किए थे। उन्होंने WWE में अपना डेब्यू किया था 2004 में, जब मिक फोली प्रोमो कर रहे थे USA आर्मी पर। तभी वहां खोसरो डेवारे के साथ आते हैं मोहम्मद हसन। डेवारे मोहम्मद हसन के मैनेजर का रोल किए थे उस टाइम पर। मोहम्मद हसन ने एकदम जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग हील कैरेक्टर प्ले किया था WWE में। इनके सारे प्रोमोस और इनका हील वाला कैरेक्टर एकदम घातक था। इन्होंने WWE में अपनी एक अलग ही पहचान के साथ अपनी एक अलग ही विनिंग स्ट्रिक भी बना ली थी। उन्होंने हरिकेन, क्रिस जेरिको, क्रिस बेनॉइट जैसे बड़े सुपरस्टार को हरा दिया था। उनको WWE के बड़े लेजेंड्स जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन के साथ भी काम करने का मौका मिला। उनकी एंट्रेंस म्यूजिक शुरू होते ही लोग उनको बड़ी जोर से बू करते थे, क्योंकि उन्होंने उस समय के लगभग हर फेस सुपरस्टार को हराकर खुद को एक परफेक्ट हील के रूप में ढाल लिया था। पर उनकी बेहतरीन विनिंग स्ट्रीक को तॉड दी थी जॉन सीना ने। उनके लिए रॉ पर कोई उस समय पर अपोनेंट रहा नहीं था, इसलिए उनका ड्राफ्ट हुआ 2005 में स्मैकडाउन पर, जहां उन्होंने बिग शो जैसे जायंट को बुरी तरह से हराया। फिर इसके बाद उनकी सबसे डेंजरस फ्यूड शुरू हो गई थी अंडरटेकर के साथ। जब दी अंडरटेकर और JBL के बीच की आग बुझ चुकी थी, तो मोहम्मद हसन उसको फिर से जलाने की कोशिश कर रहे थे रिंग में आकर। तभी अचानक से दी अंडरटेकर का थीम प्ले होता है, और दी अंडरटेकर के आते ही मोहम्मद हसन की बोलती बंद हो जाती है, और एक मोमेंट पर अंडरटेकर मोहम्मद हसन का गला ही पकड़ लेते हैं। पर हसन के मैनेजर खोसरो डेवारे पीछे से आकर स्टील चेयर से अंडरटेकर पर अटैक करते हैं, जिससे हसन तो भागने में सफल हो जाते हैं, पर अंडरटेकर के शिकंजे में आ जाते हैं खोसरो डेवारे, और अंडरटेकर डेवारे को चॉक स्लैम लगाकर हसन को खुद पर आने वाले काल का संकेत देते हैं, जिसके बाद इनका ऑफिशियली मैच फिक्स होता है दी ग्रेट अमेरिकन बैश पेपरव्यू में। पर स्मैकडाउन के एक एपिसोड में अंडरटेकर और डेवारे के बीच मैच हुआ, जिस मैच में डेवारे डेड मैन के सामने कुछ ही मिनट टिक पाए। मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद हसन अपने हील वाले प्रे के रूप में बैठे, और उनके पीछे से 5 आदमी आए जिन्होंने ब्लैक मास्क, ब्लैक टी शर्ट और कैमोफ्लेक्स पैंट पहनी थी, और वो आते हैं बिल्कुल टेररिस्ट गिमिक के साथ, और आते ही दी अंडरटेकर पर बुरी तरह से अटैक करते हैं, और वो अपने साथ वायर भी लाते हैं और उससे अंडरटेकर के गले से बांध कर उनका गला घोंटते हैं। कुछ देर तक ये मारा कुटी चलती है। जब अंडरटेकर बिल्कुल लस्त हो जाते हैं, तो मोहम्मद हसन उनको अपने कैमल कच सबमिशन में डाल देते हैं। ये सेगमेंट तो इंटरटेनमेंट से भरा हुआ था, और ऐसा ही सेगमेंट कभी WWE में भी नहीं हुआ था। पर ये सेगमेंट WWE के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस स्मैकडाउन सेगमेंट के बाद लंदन में रियल में टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें भारी तबाही भी हुई। और स्मैकडाउन के वो 3 दिन पहले के सेगमेंट की फुटेज UPN और द स्कोर्स नेटवर्क पर आई, और इसके तुरंत बाद UPN ने उनको नोटिस भेजा कि मोहम्मद हसन एक कैरेक्टर नहीं कर सकते हैं, और उन्हें निकाल दिया जाए WWE से। WWE मोहम्मद हसन को WWE में रखना तो चाहती थी, पर वो रख नहीं पाई मीडिया और उस लीगल नोटिस के आने पर। फिर लास्ट में जाकर 21 सितंबर 2005 में मोहम्मद हसन को रिलीज कर दिया WWE ने। मोहम्मद हसन एक एंटिक अमेरिकन कैरेक्टर थे। विंस मैकमैन को मोहम्मद हसन को एक बड़ा हील बनाने का प्लान था, पर उनका ये प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और साथ ही साथ मोहम्मद हसन का पूरा रेसलिंग करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मोहम्मद हसन उस समय सिर्फ 23 साल के थे और एक बेहतरीन हील थे। अब मोहम्मद हसन 39 साल के हो गए हैं, और वो प्रिंसिपल हैं न्यूयॉर्क में।
और उन्होंने PhD से अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। दोस्तों, क्या आपको WWE के इस वाक्य के बारे में पता था? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।